Nandan Swaminarayan, today I will start with the plane table surveying. Okay, or plane table survey. In that subject, you refer Margin Publication book, okay, by R.B. Khasia. Okay, तो आप इसमें महाजन पब्लिकेशन का रिफर करोगे तो अच्छा रहेगा. ओके, उसमें डिटेल में अच्छे से दिया है और सिस्टमेटिक वे से दिया है, तो आपके लिए वो पढ़ना वो अच्छा रहेगा. ओके, तो आप महाजन पब्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हो. कई कई चैप्टर आरपी रेथलिया में भी आपको दिया है, वो भी अच्छा दिया है. दैट इज योर टेक्स्ट बुक. देन नेक्स्ट टीपी कनेक्ट कर है, देन सर्वेइंग एंड लेवलिंग बाय टीपी कनेक्ट कर है, एंड एन बसंत बुक है, दैट इज द मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है. ओके, सर्वेइंग एंड लेवलिंग बाय एन एन बसंत, वो भी आप यूज कर सकते हो. बी सी पूनम या भी यूज कर सकते हो. ओके, देन आर आर अगोर बुक है, वो भी रेफरेंस बुक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो. बट हमने ये जो भी लेक्चर्स वगैरह बनाया है, दैट इज फ्रॉम महाजन पब्लिकेशन, और महाजन पब्लिकेशन इज द कॉपी ऑफ मैग्रो हिल पब्लिकेशन एन एन बसंत बुक. सर्वेइंग एंड लेवलिंग बाय एन एन बसंत बुक में जो भी दिया है वो महाजन पब्लिकेशन में सेम टू सेम है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ प्लेन टेबल सर्वे. तो प्लेन टेबल से हम सर्वे कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटेड ये चैप्टर है. सिलेबस, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है. तो प्लेन टेबल सर्वे में इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट, सेटिंग अप द प्लेन टेबल, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, एडवांटेजेस एंड सोर्सेस ऑफ एरर्स. प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है? दैट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली. आप क्या करते थे, पहले आपने चेन और टैप यूज करके सर्वे किया था, कंपास सर्वेइंग आपने किया. तो उसमें क्या करते थे कि आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो भी रीडिंग लेते थे वो फील्ड बुक में लिखते थे. ओके, जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने लेवलिंग किया, डंपी लेवल से आपने लेवलिंग किया, तो उसमें आपने जो भी रीडिंग्स आया वो आपने लेबल बुक में अंदर आप लिखते हो. और अगेन जो चेन और टैब से आप जो भी सर्वे करते हो वो फील्ड बुक में आप लिखते हो. अगेन टेक्योमेट्रिक सर्वे करते हो तो टेक्योमेट्रिक सर्वे में भी आपको टेक्योमेट्रिक टेबल में फिलअप करना होता है, दैट इज योर फील्ड बुक. तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या है, प्लॉटिंग और जो भी ऑब्जर्वेशन है और प्लॉटिंग है वो साइमल्टेनियसली आपको करना होता है. दैट मीन्स आपने जो भी मेजरमेंट लिया है वो ऑन द स्पॉट जो भी आपकी ड्राइंग शीट है उसमें आप प्लॉट करते हो. ओके, तो इसके लिए आपको कोई भी रीडिंग है वो याद रखने की या फील्ड बुक में नोट डाउन करने की या लेवल बुक में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए इसमें बोला है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन जो भी आप करते हो तो उसके बेस पे प्लॉटिंग आप साइमल्टेनियसली करते हो, उसके बेस पे आप प्लॉटिंग भी करते जाते हो. ओके, इट इज सिंपल एंड चीपर देन थियोडोलाइट सर्वे. ओके, तो वो थियोडोलाइट सर्वे से सिंपल और चीपर है, सस्ता है देन थियोडोलाइट सर्वे. इट इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप. तो ये मेथड किसके लिए सुटेबल है, तो स्मॉल स्केल मैप्स है उसके लिए ये मेथड सुटेबल है. द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर इन द फील्ड व्हाइल द एरिया टू बी सर्व्ड इज बिफोर हिज आईज, देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिटिंग द नेसेसरी मेजरमेंट्स. द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर इन द फील्ड. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रोड है ऑलरेडी बन गया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड है, ग्राउंड में जो भी लोन है तो लोन का प्लॉटिंग हमें करना है ऑन द पेपर. ओके, तो आप क्या करोगे, तो आपको फील्ड पे जो भी हमारे पास मेजरमेंट्स है या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको ऑन पेपर हमें प्लॉट करना है, तो इसके लिए प्लेन टेबल सर्वे यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कर्व है. ओके, तो कर्व है और जो भी रोड में कर्व प्रोवाइड करते हैं वो कितना कर्व है, कितना रेडियस का कर्व है वो हमें पता नहीं है, तो वो मेजरमेंट करना हो तो भी उसके लिए कौन सा यूज होता है, प्लेन टेबल सर्वे यूज होता है.
जिसमें आपको एक स्टेशन सिलेक्ट करना होता है। स्टेशन में सेंटरिंग, लेवलिंग, देन सेटिंग ऑफ द ड्राइंग शीट ऑन द प्लेन टेबल, सेटिंग लेवलिंग करके, फिर आपको सेंटरिंग लेवलिंग, देन आपको ड्राइंग शीट, जो भी ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर अटैच करना होता है। एक स्टेशन सिलेक्ट करना होता है, वो स्टेशन सिलेक्ट करके आपको जो भी आपको कर्व प्लॉट करना है वहाँ पे, रेंजिंग रोड वगैरह आपको वहाँ पे सेट करना होता है, और उसको जो भी एलेडाइट है, प्लेन एलेडाइट है, उससे बाइसेक करके उससे प्लॉटिंग करना होता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, तो इसमें एलेडाइट, दैट इज टू टाइप्स ऑफ एलेडाइट एंड चेन टेप, जनरल इसमें टैप यूज होता है। तो इसमें क्या है, कई बार दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में हम जो भी प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, तो कई बार जो भी ऑब्जेक्ट है, कई कई ऑब्जेक्ट्स रह जाते हैं। इसमें क्या है, आप ऑन फील्डिंग, प्लॉटिंग और सर्वेवर दोनों करते हो। फील्ड ऑब्जर्वेशन लेके आप प्लॉटिंग करते हो, तो कोई ऑब्जेक्ट रह ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट रह नहीं जाएगा। ओके, सभी ऑब्जेक्ट कवर हो गए। ओके, दैट इज द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर इन द फील्ड व्हाइल द एरिया टू बी सर्व्ड इज बिफोर हिज आइज, देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिटिंग द नेसेसरी मेजरमेंट्स। द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर इन द फील्ड, ऑलरेडी इसमें प्लान ड्रॉ किया होता है। व्हाइल द एरिया टू बी सर्व्ड इज बिफोर हिज आइज, दैट मीन्स आपने जो भी प्लॉट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्लान है ऑलरेडी फील्ड पे है, वो मुझे ऑन पेपर करना है, तो उसमें और ऑन पेपर करके उसका एरिया भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो वो सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन टेबल सर्वेइंग करना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि कोई पॉइंट रह गया ऑन फील्ड, तो उसमें भी डायरेक्टली पता चलेगा। ओके, देन इक्विपमेंट एंड एसेसरीज फॉर प्लेन टेबलिंग। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इक्विपमेंट, प्लेन टेबल ट्राइपॉड एंड एलेडाइट। ओके, इसमें प्लेन टेबल कौन सा है, दिस वन इज योर प्लेन टेबल, दिस वन इज योर एलेडाइट, दिस वन इज योर यू फॉक एंड प्लम बॉक्स। इसमें क्या होगा, इधर दिस वन इज योर ट्रॉप कंपास, एंड दूसरा लेवल ट्यूब होगा और स्पिरिट लेवल होगा। इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज फॉर द प्लेन टेबलिंग। तो एसेसरीज में क्या आएगा, ट्रॉप कंपास, जिससे हम डायरेक्शन नोट डाउन कर सकते हैं ऑन पेपर के, नॉर्थ डायरेक्शन किस जगह पे, वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। देन स्पिरिट लेवल, तो स्पिरिट लेवल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को लेवल कर सकते हैं। प्लेन टेबल जो भी है उसको लेवलिंग करना, उसका लेवलिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए स्पिरिट लेवल यूज होता है। देन यू फॉर्क विथ प्लम बॉक्स, तो यू फॉर्क विथ प्लम बॉक्स क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे आप देख देख सकते हो कि इसका जो भी शेप है यू शेप है, और उसके साथ क्या अटैच है, तो प्लम बॉक अटैच है, तो इसीलिए इसको यू फॉर्क बोलते हैं विथ प्लम बॉक्स। ओके, देन वाटर प्रूफ कवर, देन ड्रॉइंग पेपर, इस पे हम भी ड्रॉइंग बोर्ड है उस पे हम ड्रॉइंग शीट अटैच करेंगे। देन पिंस की जरूरत होगी, पिंस के बगैर आप क्या है, ड्राइंग शीट जो भी है वो प्लेन टेबल पे अटैच नहीं कर सकते। ये क्लैंप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो क्लैंप से ज्यादा अच्छा रहेगा। देन ड्राइंग एसेसरीज है, तो ड्राइंग एसेसरीज में पेंसिल, रबर, स्केल, वो सब की भी हमें जरूरत पड़ेगी। इक्विपमेंट्स, प्लेन टेबल, द ड्राइंग बोर्ड फॉर प्लेन टेबल टेबलिंग इज मेड फ्रॉम द वेल सीजन्ड वुड। वेल सीजन्ड वुड का मतलब क्या है कि जो भी उसमें जो भी वुड है, टिम्बर है, उसमें सीजनिंग वेल सीजन्ड होना चाहिए, दैट मीन्स उसमें भेज नहीं होना चाहिए। भेज यानी जो भी हम मॉइस्चर, वुड है वो मॉइस्चर वाला नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वेल सीजन्ड। सीजनिंग प्रोसीजर होती है जिसमें जो भी वुड है उसमें जो भी पानी है या मॉइस्चर का पार्ट है वो उसको दूर करता है, दैट इज कॉल्ड वेल सीजन्ड वुड विथ इट्स अपर सरफेस एग्जैक्टली प्लेन। दैट मीन्स अपर सरफेस क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली प्लेन होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। इट इज नॉर्मली रेक्टेंगुलर इन शेप विथ साइज 75 सेंटीमीटर बाय साइज भी है, इसमें साइज दिया होता है कि प्लेन टेबल है इसका साइज ये है, इसकी थिकनेस ये है। इट इज माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड एंड क्लैम्प आर प्रोवाइडेड टू फिक्स इट इज
इट इन एनी डायरेक्शन, दैट मीन्स हमें क्या करना है, आपको प्लेन टेबल को ट्राइपोड पे, ट्राइपोड स्टैंड जो होता है उस पे सेट करना होता है। इसमें ट्राइपोड स्टैंड कौन सा है, किसको बोलते हैं ट्राइपोड स्टैंड? तो आप ये थ्री लेग्स वाला स्टैंड देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइपोड स्टैंड। ओके, माउंटेड ऑन ए ट्राइपोड एंड क्लैंप्स आर प्रोवाइडेड टू फिक्स इट इन एनी डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे ये शीट, ड्राइंग शीट प्रोवाइड करके फिर उसके क्या करना पड़ता है, क्लैम्प करना पड़ता है। एंड क्लैम्प्स आर प्रोवाइडेड टू फिक्स इट इन एनी डायरेक्शन, दैट मीन्स क्लैम्प नीचे जो प्रोवाइड होता है। ओके, हम वो उसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा। क्लैम्प नीचे होता है जिसकी वजह से वो क्लैम्प, क्लैम्प इसमें ये, दैट इज योर क्लैम्प। ओके, तो यहाँ पे क्लैम्प प्रोवाइड करते हैं, ये जो भी है प्लेन टेबल उसको किस पे सेट करना होता है, ट्राइपॉड स्टैंड पे सेम सेट करना बाय करना होता है बाय यूजिंग क्लैम्प। देन द टेबल कैन रिवॉल्व अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एंड इट कैन बी क्लैम्प्ड इन एनी पोजिशन व्हेन नेसेसरी। ओके, दैट मीन्स आपका टेबल को रिवॉल्व अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस है, तो आप उस टेबल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ वर्टिकल एक्सिस जो भी है उसके रिस्पेक्ट में आप उसको घुमा सकते हो, दैट मीन्स उसको मूव कर सकते हो हॉरिजॉन्टली विथ रिस्पेक्ट टू और इट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस कैन बी क्लैम्प्ड इन एनी डायरेक्शन व्हेन नेसेसरी। प्लेन टेबल, ये प्लेन टेबल है, दैट इज ऑल्सो प्लेन टेबल। ट्राइपॉड स्टैंड, तो ट्राइपॉड स्टैंड, दिस वन इज द ट्राइपॉड स्टैंड। द प्लेन टेबल इज माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड। ओके, द ट्राइपॉड इज जनरली ऑफ द ओपन फ्रेम टाइप, कंबाइंड रिजिडिटी विथ लाइटनेस। द ट्राइपॉड मे बी मेड टू फोल्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ट्राइपॉड को क्या है, आपको फोल्ड करके ले जाने में इजी रहे। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइपॉड उसी तरह से रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ओपन का ओपन रहेगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगा, तो क्या है, फोल्ड कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एक स्क्रू होता है वो आप खोल दोगे तो ये जो भी लेग है वो अप एंड डाउन, टेबल को अप एंड डाउन भी कर सकते हो। इसमें भी टेबल जो भी ट्राइपॉड लेग है, टेबल नहीं ट्राइपॉड लेग जो भी है वो आप अप एंड डाउन कर सकते हो और उसको ट्राइपॉड स्टैंड को बड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हो उसकी हाइट की, हमें जो भी कन्वीनियंट हाइट है वो उसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी ट्राइपॉड स्टैंड है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। ट्राइपॉड इज प्रोवाइडेड विथ 3 फुट स्क्रूज एट इट्स टॉप फॉर लेवलिंग ऑफ द प्लेइंग टेबल। ओके, ट्राइपॉड इज प्रोवाइडेड, ट्राइपॉड है वो, इट इज प्रोवाइडेड विथ 3 फुट स्क्रूज एट इट्स टॉप फॉर द लेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल। यहाँ पे 3 फुट स्क्रू होता है जिससे हमें लेवल करने में इजी रहता है। देन एलेडाइट, दिस वन इज कॉल्ड एलेडाइट। एलेडाइट का मेन पर्पस क्या है, तो उसकी इसकी तरह काम करता है। दूसरा इसका पर्पस क्या है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ साइट है, बराबर कोई भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली बाइसेक करना हो तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, हेलेडाइट की मदद से कर सकते हैं। द हेलेडाइट इज यूजफुल फॉर एस्टेब्लिशिंग ए लाइन ऑफ साइट। टू टाइप्स ऑफ हेलेडाइट आर यूज, सिंपल हेलेडाइट एंड टेलीस्कोपिक हेलेडाइट। सिंपल हेलेडाइट, तो सिंपल हेलेडाइट तो ऊपर वाला जो फिगर है दैट इज सिंपल हेलेडाइट। इट इज यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ अ गर्ड मेटल और वुडन रूल विथ टू वर्टिकल वैन्स एट द एंड्स। टू वर्टिकल वैन यानी ये, दिस वन इज कॉल्ड वैन। एक साइड क्या होगा, ऑब्जेक्ट वैन होगा और दूसरी साइड क्या होगा, साइट वैन होगा और आई वैन होगा। ओके, द आई वैन इज प्रोवाइडेड विथ अ नैरो स्लिट वाइड ऑब्जेक्ट वैन। आई वैन दैट मीन्स जहाँ से आप देखते हो, दैट इज कॉल्ड आई वैन। और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट वैन है उसमें बीच में क्या सेट किया होता है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स है। ओके, तो यहाँ पे जो भी स्लिट और जो भी सेंट्रल हॉर्स है उसको और जो भी सामने ऑब्जेक्ट को बाइसेक करना है वो तो तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट इज बाइसेक्टेड बाय दिस एलेडाइड, ऐसा बोल सकते हैं आप। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ अ गन मेटल और वुडन रूल विथ टू वर्टिकल वैन्स एट द एंड्स। द आई वैन इज प्रोवाइडेड विथ
with a narrow slit, while the object van is open and carries a horse hair. Both the slits thus provide a definite line of sight which can be made to pass through the object to be sighted. That means आप जब भी वो ऑब्जेक्ट बाइसेक करते हो तो यहाँ पे स्लीट जो है वो, देन यहाँ पे जो हॉर्स है वो है वो, एंड ऑब्जेक्ट का सेंटर, वो तीनों एक लाइन में आना चाहिए. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट परफेक्टली बाइसेक किया. दिस वन इज कॉल्ड सिंपल एलिडाइट. टू ड्रॉ द रेस, वन ऑफ द एजेस ऑफ द एलिडाइट इज बी बिल्ड एंड इज परफेक्टली स्मूथ. वर्किंग एज इज नोन एज ए फिजियल एज. दैट मीन्स आपके एक साइड जो भी एज है ओके, वो क्या है, बिविल्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजियल. दिस परफेक्टली स्मूथ वर्किंग एज इज नोन एज ए फिजियल फिजियल एज. तो दैट मीन्स यहाँ पे बिविल्ड, दैट मीन्स एक स्लोप जैसा दिया दिया है. एक साइड आप देख सकते हो जो भी एलिडाइड है उसकी एक साइड क्या है, स्लोप जैसा दिया है ओके. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिजुअल एज बोल सकते हैं, जिसकी मदद से आप क्या है, जो भी रेस है कि जो भी आपने रेस बाइसेक किया उसका, फॉर एग्जांपल एक आपका प्लेन टेबल सर्वे का स्टेशन है ओके. प्लेन टेबल का ड्राइंग शीट पे आपने कोई भी आपने स्टेशन फिक्स किया, उसके रेफरेंस से आपको दूसरा सर्वे करना है, तब क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ एलिडाइट आप क्या करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बाइसेक करोगे, और बाय यूजिंग दिस बिविल्ड एज आप वहाँ से एक रेस रीड्रॉ करोगे ओके. दैट इज कॉल्ड रीड्रॉ करोगे. दैट मीन्स जिसकी मदद से आप रेस यहाँ पे ड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड फिजुअल एज. The visual edge is graduated to facilitate the plotting of the distances to a scale. The next one is telescopic alidite. The telescopic alidite is used when it is required to take inclined side. So, this one is called telescopic alidite. जिसमें क्या है, आपको इंक्लाइन साइड, फॉर एग्जांपल कोई एंगल आपको दिया है कि आपको 30 डिग्री का एंगल या 45 डिग्री का एंगल पे आपको कोई ऑब्जेक्ट बाइसेक करना है, तो उसके लिए आपको टेलीस्कोपिक एलिडाइट यूज करना पड़ेगा. इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टेलीस्कोप विथ ए लेवल ट्यूब एंड ग्रेजुएटेड आर्क माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इट गिव्स हायर एक्यूरेसी और मोर रेंज ऑफ साइट्स. This one is called telescopic alidite. Telescopic alidite. Then next one is trough compass. The trough compass is required for drawing in line. Trough compass का मतलब क्या है? Compass आपने देखा होगा, magnetic compass या compass आपने BC में भी पढ़ा, that is prismatic compass or surveyor compass. So this one is called trough compass. Trough compass की मदद से आपको क्या fix करना होता है, तो north direction आप fix कर सकते हो. आपको simply क्या करना है, drawing table जो भी आपने लिया है, drawing table पे आपने drawing sheet set करके फिर आपको क्या करना है, वो trough compass को move करना है, तो कोई एक direction में north और साउथ आएगा, तो उसको आपको क्या करना है, उसमें डायरेक्शन दिखाना है बाय ड्रॉइंग ए रे ओके. दैट मीन्स आपको प्लॉटिंग करना है नॉर्थ डायरेक्शन का, तो उसमें ट्रफ कंपास यूज होता है. द ट्रफ कंपास इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग द लाइन शोइंग मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द पेपर. इट इज यूज टू ओरिएंट द टेबल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. When the freely suspended needle shows 0 degree at the each end, a line is drawn on the drawing paper which represents the magnetic north. That means आपका जो भी needle है वो 0-0 marking पे आना चाहिए, north और south पे 0-0 आना चाहिए. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी needle है वो north direction में है okay. When the freely suspended needle shows 0 degree at each end, a line is drawn on the drawing paper which represents the magnetic north. That means जो भी line indicate करते हैं हम, that is called magnetic north. So trough compass हमारे पास ऐसा है okay. This one is called trough compass. ऐसा भी आता है. The next one is spirit level. Spirit level भी हमारे पास ऐसी है. तो spirit level का काम क्या है, तो instrument को level करना है, तो spirit level का काम है. A spirit level is used for ascertaining if the table is properly leveled.
The table is leveled by placing the level on the board in two positions at right angle. ओके इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेबल है, ओके तो टॉप टेबल को आपको लेवल कैसे करना है, तो फर्स्ट वन इज आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है. ओके जो भी आपका लेवल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख के आपको टेबल को लेवल करना है. दैट मीन्स ये बबल किस में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए. अगेन आप परपेंडिकुलर रखो और परपेंडिकुलर रख के आपको आपको टेबल सेट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा ये बबल सेंटर में आ जाएगा. दैट इज द प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग. ओके स्पिरिट लेवल ऐसा भी आता है. देन यू फॉक विथ प्लम्ब ऑफ, तो यू फॉक विथ प्लम्ब ऑफ वो क्या है, तो यू फॉर्क दैट मीन्स यू शेप में आता है, इट इज अटैच विथ द प्लम्ब ऑफ. ओके तो प्लम्ब ऑफ का मतलब क्या है, तो प्लम्ब ऑफ की मतलब प्लम्ब ऑफ का यूज से आप क्या कर सकते हो, जो भी स्टेशन ग्राउंड पे है ऑन पेपर उसको आप प्लॉट कर सकते हो. ओके सो यू फॉर्क विथ प्लम्ब ऑफ इज यूज फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर द पॉइंट और स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल व्हेन द प्लॉटेड पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन द शीट. ओके तो आपको जो भी प्लम्ब ऑफ है द टेबल ओवर द पॉइंट और है स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल व्हेन द प्लॉटेड पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन द शीट. फॉर दैट दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, मैं तो क्या करती हूँ कि जो भी आपके पास पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉइंट एक सिलेक्ट किया तो ड्राइंग शीट पे, तो उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है तो भी कर सकते हैं, और ग्राउंड पे से शीट पे ट्रांसफर करना है तो भी कर सकते हैं. ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन द शीट. यू फॉर्क विथ प्लम्ब ऑफ, तो ये प्लम्ब ऑफ है यहाँ पे क्या पे कहाँ पे आएगा, तो जो भी हमने ट्रावर्स जो भी हमारे पास पैग है, ओके वुडन पैग, तो वुडन पैग एज जो भी हमने स्टेशन प्लॉट किया है और जो भी एज ए स्टेशन हमने ड्राइंग शीट पे जो भी पैग है वो हमने फील्ड पे जो भी प्लॉटिंग किया है हमें हमने वो हमें ड्राइंग शीट पे लेना है तो वो भी कर सकते हैं, और ड्राइंग शीट में लेके फिर हमें नीचे सेंटरिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसीजर कर सकते हैं. वाटर प्रूफ कवर द अम्ब्रेला इज यूज टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग पेपर फ्रॉम द रेन. ड्राइंग पेपर इज यूज फॉर प्लॉटिंग द ग्राउंड डिटेल्स. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग, ओके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके अब तक हमने क्या देखा, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखा, देन इक्विपमेंट कौन कौन से अंदर यूज होते हैं वो देखा. ओके दैट मीन्स एसेसरीज कौन कौन से यूज होते हैं वो हमने देखा. ओके तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी हमारे एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एरर्स है, मेथड्स है, ओके उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके थैंक यू.